एक्सीलेंट इंग्लिश जोन। तो आज मैं फिर लेकर आई हूँ आपको एक और न्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है बनबर्ड सविस्ट्री ट्यूशन। तो देखिए ये जो बनबर्ड सविस्ट्री ट्यूशन है ये टॉपिक आपका चल रहा है, ये न्यू नहीं है, लेकिन इसमें जो मैं इसका सब टॉपिक लेकर आई हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और आज के बनबर्ड सविस्ट्री ट्यूशन का सब टॉपिक है हमारा मर्डर ऑफ सम स्पेशल पर्सन। तो देखिए हम केवल खुद की हत्या करते हैं तो वो जानते हैं कि सुसाइड होता है, या दूसरे को मार देते हैं तो मर्डर होता है, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट पर्सन्स के वर्ड हमें जानने जरूरी हैं। देखिए जितना मैं वोकैब पढ़ाऊंगी, जितने वोकैबुलरी मैं आपको इसमें दूंगी, वो सभी आपको ग्रामर में जो पेपर में 12th 11th में आता है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और स्पोकन के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितने वर्ड्स हम जानेंगे हमारे वोकैबुलरी जितनी अच्छी होगी, वर्ड डिक्शनरी जितनी अच्छी होगी, स्पोकन में हमें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी और हम ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द सब टॉपिक मर्डर ऑफ सम स्पेशल पर्संस। तो देखिए जो हमारा सबसे पहले हम पढ़ेंगे, जो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, सुसाइड। देखिए जैसे आता है द मर्डर ऑफ वन सेल्फ, जब हम खुद की वन सेल्फ स्वयं की हत्या करते हैं, जब हम खुद का मर्डर करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा सुसाइड। क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा सुसाइड। तो ये तो हो गई हमारी स्वयं की हत्या करना, मतलब वन सेल्फ स्वयं की हत्या करना क्या कहलाता है, सुसाइड कहलाता है, और ये सभी जानते हैं। और जब हम किसी दूसरे की हत्या करते हैं वो तो हम मर्डर ही कह देते हैं सीधा। तो मर्डर ऑफ वन सेल्फ सुसाइड अब जानते हैं। अब हम आगे चलते हैं, फैमिली से रिलेशन में फैमिली में चलते हैं और फैमिली के पर्सन की हत्या के बारे में बताते हैं। तो देखिए फैमिली में जब हम स्टार्ट करते हैं तो किसी का सबसे पहले माता पिता होते हैं। तो अगर हम अपने पिता की हत्या करते हैं, कोई अपने पिता की हत्या करता है, द मर्डर ऑफ वंस फादर, किसी के पिता की, मतलब अपने कोई भी व्यक्ति अपने पिता की हत्या करता है तो वो हत्या, उस हत्या को कहते हैं हम पैट्रिसाइड। देखिए ये टॉपिक मैं इसलिए लाई हूँ, इसे यहाँ पर मैं सिक्वेंस वे से आपको पढ़ाऊंगी जिससे आपको लर्न करना आसान होगा। अगर हम यही सब चीजें पूरे उसमें मिक्स कर देते हैं तो आपको एक एक बारे में लर्न करना पड़ता है, और कभी आप किसी को लर्न, किसी पार्ट को लर्न करते हो, कभी किसी को, सब मिक्स हो जाता है, भूल जाता है। यहाँ पर हम सिक्वेंस से लर्न करेंगे तो हमें स्पेलिंग लर्न करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, और हम यहाँ पर ये भी सीखेंगे किस तरह से हम इसको एक वर्ड से, मतलब एक सिन वन वर्ड से दूसरे वन वर्ड को कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए आपने देखा सोसाइड, इसमें कौन सा वर्ड कॉमन है, साइड, साइड वर्ड कॉमन है, मतलब जब हम किसी की हत्या करते हैं तो उसमें साइड वर्ड लगता है इंग्लिश वर्ड में जो भी बनता है। अब देखिए पिता की हत्या की हम किसी ने तो हो गया पैट्रिसाइड, क्या हो गया, पैट्रिसाइड, तो पिता की हत्या करना कहलाएगा पैट्रिसाइड। अब देखिए पैट्री जोड़ा, साइड आपका वही जोड़ गया। अब हम अगर कहें द मर्डर ऑफ वंस मदर, किसी की मां की हत्या करना, तो देखिए ऐसे ही बन जाएगा ये मैट्रिसाइड, क्या बन जाएगा, मैट्रिसाइड। हुआ ना आसान, हमें एमईटी जोड़ना, मैट्री जोड़ना है, जैसे इसमें पैट्री जोड़ा है इसमें मैट्री जोड़ना है, और साइड हमारा यही चलेगा सभी में। तो यहाँ पर देखिए ऐसे तो बहुत सारे लोगों की हत्या करना सभी के वर्ड होते हैं, लेकिन हम यहाँ सम स्पेशल पर्सन, कुछ स्पेशल पर्सन जो हमारी लाइफ से कनेक्टेड होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गया मदर, माँ की हत्या करना क्या हो गया, मैट्रिसाइड हो गया। अब हम चलते हैं, हम कहें द मर्डर ऑफ वंस ब्रदर को ले लेते हैं, किसी के भाई की हत्या करना,
जब किसी के भाई की हत्या की जाती है तो क्या बनता है? तो ये होता है फैट्रीसाइड। क्या होता है? फैट्रीसाइड। तो देखिए साइड तो इसमें जुड़ा, फैट्री और जुड़ गया और ये हो गया हमारा फैट्रीसाइड। क्या हो गया? घात हत्या। देखिए ये इसकी हिंदी वर्ड भी जान लीजिए, आत्महत्या। ये हो गया पितृ हत्या, ये हो गया मातृ हत्या और ये हो गया भ्रात हत्या या मतलब भाई की हत्या। अब हम चलते हैं मर्डर ऑफ सिस्टर पर। द मर्डर ऑफ वंस सिस्टर। तो किसी की सिस्टर की हत्या करने के लिए कहा जाता है सोरोसाइड। क्या कहा जाता है? सोरोसाइड। तो ये सोरोसाइड हो गया हमारा, क्या हो गया? सिस्टर, बहन की हत्या। तो ये हो गया बहन हत्या। तो ये हो गया हमारा बहन की हत्या। तो देखिए वन सेल, खुद की हत्या सोसाइड, फादर की हत्या पैट्रीसाइड, मदर की हत्या मैट्रीसाइड और ब्रदर की हत्या फैट्रीसाइड और सिस्टर की हत्या सोरोसाइड। तो ये हो गए हमारे। अब हम आगे चलते हैं तो आगे हम पढ़ेंगे द मर्डर ऑफ वंस हस्बैंड। तो देखिए मर्डर ऑफ वंस हस्बैंड, किसी अपने हस्बैंड की या किसी के हस्बैंड की हत्या करना कहलाता है मैरिटीसाइड। तो देखिए यहां पर हो जाएगा मैरिटीसाइड। साइड सभी में ऐड होगा, मैरिटीसाइड हो गया आपका पति हत्या। किसकी हत्या? पति की हत्या हो गया मैरिटीसाइड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर, द मर्डर ऑफ वंस वाइफ। अब हमें पढ़ना है कि किसी की पत्नी की हत्या करना, तो पत्नी की हत्या हो जाता है यूक्सोसाइड। पत्नी हत्या, क्या हो जाता है? पत्नी की हत्या करना हो जाता है यूक्सोरीसाइड होता है। आर आई छूट गया इसमें, यूक्सोरीसाइड। ये हो गया वंस वाइफ, द मर्डर ऑफ वंस वाइफ, किसी की पत्नी की हत्या करना। तो देखिए फैमिली हो गई है पूरी, खुद की हत्या करना, पिता की हत्या करना, माँ की हत्या करना, भाई की, बहन की, पति की और पत्नी की हत्या करना। ये हो गई हमारी फैमिली से। अब देखिए यहाँ पर इन सबकी हत्या से पहले आता है, इसमें अभी जैसे किसी परिवार में किसी बच्चे की, ये परिवार में या कहीं अलग, किसी बच्चे की हत्या कर दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो हम मर्डर ऑफ द इन्फेंट। इन्फेंट होता है शिशु। तो किसी शिशु की हत्या करना बहुत ही आसान है, इन्फेंट से ही बना है, हो जाएगा इन्फेंटीसाइड। क्या हो जाएगा? इन्फेंटीसाइड, जिसे हम कहेंगे शिशु हत्या। इसे क्या कहेंगे हम? शिशु हत्या। तो देखिए यहाँ पर शिशु हत्या हो गई, किसी बालक की हत्या कर दी जाती है, इन्फेंटीसाइड कहा जाता है। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको सीधा इंग्लिश में बोलना सीखना है। मोस्टली तो ये स्पोकन के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपके एग्जाम में आते हैं तो दोनों के लिए आपको ये इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। और मैं लर्न करना भी अब इतना आसान हुआ, अगर आपसे अचानक ऐसे ही पूछ दिया जाए तो आप हजारों वन वर्ड में ढूंढोगे और तब कहीं तुम्हें कहीं मदर का मिलेगा और कहीं फादर का मिलेगा। यहाँ पर मैंने पूरा कलेक्शन करके एक वीडियो में ही पूरा आपको डिस्क्राइब कर दिया है, और वो भी एक दूसरे से रिलेट करके, जिससे कि आपको लर्न करने में प्रॉब्लम ना हो। तो नेक्स्ट हम चलते हैं द मर्डर ऑफ
द मर्डर ऑफ द चाइल्ड इन मदर्स बोम। देखिए यहां पर किसी बच्चे की, शिशु की हत्या करना, किसमें? मदर्स बोम, माँ के गर्भ में। माँ के गर्भ में जब किसी बच्चे की हत्या कर दी जाती है उसको कहते हैं हम फोर्टिसाइड। क्या कहते हैं? फोर्टिसाइड, जिसको हम कहते हैं भ्रूण हत्या। क्या कहते हैं? भ्रूण हत्या। तो देखिए जन्म के पहले से लेकर जन्म तक और उसके बाद सारे रिलेशन तक मैंने यहाँ पर कवर कर दिया है आपका। अब एक और मैं यहाँ पर दूंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है, द मर्डर ऑफ द किंग। क्योंकि हम यहाँ सभी इंपॉर्टेंट पर्सन कवर कर रहे हैं, तो मर्डर ऑफ द किंग जब होता है, राजा की हत्या होती है, तो इसे कहा जाता है रेजिसाइड, राज हत्या। तो ये है हमारा रेजिसाइड। तो देखिए यहां पर हमने 10 वर्ड्स कवर किए हैं, 10 इंपॉर्टेंट वर्ड कवर किए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के साथ। तो देखिए जो आपके साइड से ही पूरे बने हुए हैं, जब हम किसी की हत्या के बारे में बात करते हैं और इंग्लिश में उसका वर्ड हम बोलना चाहते हैं तो उसमें लास्ट में आपका वर्ड लगेगा साइड, और उसके पहले का वर्ड हमें करेक्ट करना है, लर्न करना है। तो देखिए जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, मर्डर ऑफ वन सेल्फ सुसाइड, स्वयं की हत्या करना सुसाइड। मर्डर ऑफ वन फादर, फादर की हत्या करना क्या हो गया? पैट्रिसाइड। लर्न करने के लिए आसान है, पिता से याद कर सकते हो पैट्रिसाइड, और मदर की हत्या करना माँ से याद कर सकते हो मैट्रिसाइड। ब्रदर की हत्या करना फैट्रिसाइड, सिस्टर की हत्या करना सोरोसाइड, और हस्बैंड की हत्या करना मैरिडिसाइड, वाइफ की हत्या करना, पत्नी की हत्या करना यूक्सोरिसाइड, और इन्फेंट, बालक की हत्या करना इन्फेंटिसाइड, और माँ के गर्भ में बालक की हत्या करना फोर्टिसाइड, और किसी राजा की हत्या करना रेजिसाइड, राज हत्या। तो ये आज का आपका टॉपिक कवर हुआ है, और आई होप आपको समझ में आया होगा, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर से पढ़िए और इसको बोलने की भी प्रैक्टिस करिए, और आपको ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो अगर आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, और अगर लाइक करें और शेयर, वीडियो को शेयर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।